गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी आर स्टडीड अबाउट द टैप रूट मॉडिफिकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजियस रूट मॉडिफिकेशन. आपने पहले टैप रूट सिस्टम और एडवांटेजियस रूट के बारे में पढ़ा. टैप रूट क्या होता है? विच अराइज फ्रॉम द रेडिकल. एंड एडवांटेजियस रूट इज दैट दोज रूट्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दैन द रेडिकल. ठीक है, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी जो रूट अराइज होती हैं दैट इज कॉल्ड एडवांटेजियस रूट. एडवेंटेशियस रूट्स जो हैं दे मे बी चेंज टू डिफरेंट फॉर्म्स या स्पेशल फंक्शंस. फॉर एग्जांपल एडवेंटेशियस रूट हम स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और वेरियस वाइटल फंक्शंस. ठीक है, तो अगर हम स्टोरेज ऑफ फूड की बात करेंगे तो एडवेंटेशियस रूट में क्या होती हैं? मॉडिफिकेशंस होती हैं. ठीक है, मॉडिफिकेशंस जो होती हैं एडवेंटेशियस रूट में वो होती है स्टोरेज के लिए. ठीक है ना, और भी वाइटल फंक्शंस के लिए या मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए. उससे पहले एडवेंटेशियस रूट्स सिस्टम जो है हम बोल सकते हैं एडवेंटेशियस रूट क्या होता है. वी डराइव फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दैन द रेडिकल. ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इफ वी सी द एडवेंटेशियस रूट्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, फिब्रस रूट्स, फोलियर रूट्स एंड ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स. फिब्रस रूट क्या होते हैं? हेयर द प्राइमरी रूट डज नॉट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्राइमरी रूट जो होता है वो ख़त्म होता है एंड दैट इज रिप्लेस बाय द थ्रेड लाइक रूट्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ठीक है ना, फिब्रस रूट में क्या होता है? प्राइमरी रूट जो होता है वो टेम्प्रेरी होता है और वहाँ उसकी जगह फिर डेवलप होते हैं थ्रेड लाइक रूट्स जो कि कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? स्टेम से, जैसे ओरेजा सेटिवा में होता है या एलियम सेपा में होता है. ठीक है, ऐसे ही फोलियर रूट्स क्या होते हैं? वो रूट्स जो डेवलप होते हैं लीफ से उसको हम फोलियर रूट बोलते हैं. या तो ये रूट किससे डेवलप होते हैं? पीटियोल से डेवलप होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर प्लांट में. ठीक है, ऐसे ही ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? वो रूट्स जो डेवलप होते हैं नोड एंड इंटरनोड से. स्टेम के नोड और इंटरनोड रिंग्स जैसी होती हैं प्रेजेंट स्टेम में. तो अगर आप शुगर कैन देखोगे ना, वो जो रिंग्स हैं वो नोड होते हैं और उसके जो बीच में स्पेस होती है दो रिंग्स के बीच में, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं. ठीक है ना, वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे बड्स होते हैं. ठीक है, वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉप रूट बनियन के देखेंगे. ठीक है ना, स्टेम कटिंग्स की हम रूट देखेंगे, वो सब क्या होते हैं? वो एडवेंटेशियस रूट होते हैं. ठीक है, आप याद रखोगे तीन टाइप के रूट होते हैं एडवेंटेशियस. एक होते हैं फिब्रस रूट, एक होते हैं फोलियर रूट और एक होते हैं ट्रू एडवेंटेशियस रूट. ठीक है, फिर उसके बाद अगर मॉडिफिकेशन देखेंगे एडवेंटेशियस रूट मॉडिफिकेशन, उसमें एक आता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए फेसिकुलेटेड रूट बनते हैं. अगर आप डहलिया देखोगे या एस्पेरगस देखोगे, वहाँ पे ये ट्यूबरस रूट्स डेवलप होते हैं, ट्यूब लाइक रूट्स डेवलप होते हैं. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्यूबरस जैसा होता है. और वो कहाँ से अराइज होते हैं? वो बेस पे अराइज होते हैं. और वो किस फॉर्म में होते हैं? वो क्लस्टर्स में होते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्लस्टर शेप के रूट वो मतलब बंच में प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूबरस जैसा होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलेटेड रूट बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एडवेंटेशियस रूट की मॉडिफिकेशन, उसको हम मोनोलिफॉर्म या बीडेड रूट बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है? जैसे आप इमली देखते हो, ठीक है ना, हाँ, या ये वहाँ पे क्या होता है? स्वेलिंग्स जैसी नज़र आती हैं इंटरवल्स में. देखो ना, जैसे राजमा के जैसे दाने हैं ना, वो भी इंटरवल्स में प्रेजेंट होते हैं. इसकी वजह से उनकी बीडेड जैसी दाने जैसी शेप आती है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोलिफॉर्म या बीडेड रूट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत सारे ग्रासेस में या वीट्स में ये पाया जाता है. क्या? बीडेड रूट. ऐसे एक और रूट की फॉर्मेशन है होती है एडवेंटेशियस रूट मॉडिफिकेशन में, दैट इज कॉल्ड द एन्यूलेटेड रूट्स. एन्यूलेटेड रूट में क्या होता है? रूट में रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती हैं. ठीक है ना, जैसे लगता है कि वो एक दूसरे पे डिस्क प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप इसमें देखते हैं अर्थवर्म में, अर्थवर्म की शेप भी ऐसी होती है, ये रिंग लाइक रूट्स प्रेजेंट होती हैं. हम ऐसे बोलते हैं जैसे छोटे छोटे डिस्क जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइन जैसे स्टैक बन गया है. ठीक है ना, तो ये होता है एक में सिफेलस में ये प्रेजेंट होता है. कौन से? एन्यूलेटेड रूट. जैसे ये लगती हैं ये अर्थ फॉर्म जैसे रूट हैं. ठीक है ना,
रिंग्स जैसी प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो तो थी स्टोरेज की, जो कि आपने एनुलेटर देखा, मोनोलिफॉर्म देखा या आपने देखा फैसिकुलेटर, ठीक है। उसके बाद आता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी जो रूट है, जैसे प्रॉप रूट होती हैं। ये रूट डेवलप होती हैं कहाँ से, स्टेम के ब्रांच से डेवलप होती हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ की तरफ जाते हैं, नीचे की डायरेक्शन की ओर जाते हैं। जब ये सॉयल में पहुँचती हैं, वहाँ से ये रूट जो होती है ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, किसको, ट्रीज को, ठीक है ना, ये ब्रांच को। ये इंडियन रबर प्लांट और बैनियन प्लांट अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे ऐसे ही प्रॉप रूट्स लटकते हैं, कहाँ से, ब्रांच से लटकते हैं, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हो। इसकी वजह से ये ट्री को क्या मिलती है, एडिशनल सपोर्ट मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। ऐसे ही एक और होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। स्टिल्ट रूट क्या होते हैं, ये वो छोटी छोटी रूट होती हैं जो लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक से डेवलप होती हैं। ये सॉइल में ग्रो करती हैं, जैसे जैसे ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ये उसको एडिशनल एंकरेज, एडिशनल सपोर्ट ये प्लांट को प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से प्लांट जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है। ये हम मक्की में देखते हैं ना, आप ऐसे प्रॉप रूट आपको नज़र आते होंगे, या शुगर कैन में ये नज़र आते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, स्टिल रूट। आप मक्की जो घर पर लगाते हो उसमें आप देखते होंगे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं बेस पे स्टेम के, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और आता है रूट बटरेस, इसको बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं कहाँ से, स्टेम से भी और रूट से भी। ये स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस आती हैं ट्रंक के बेक से, और ये क्या बनाते हैं, जैसे आप बिटर आलमंड में देखेंगे ऐसे बटरेस रूट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। क्लाइंबिंग रूट्स क्या होते हैं, हाँ, वीक स्टेम जो होती है, जिनकी स्टेम वीक होती है, जैसे मनी प्लांट देखते हैं, उनमें से ये रूट्स डेवलप होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके जो एपाइसिस होते हैं, इनकी जो टिप होती है इनकी, उनमें से सबस्टेंस एक निकलता है, विस्कस होता है वो हवा में क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और रूट किसके साथ अटैच हो जाते हैं, स्टेम के साथ, ठीक है। ये हम दे सकते हैं घर पे जो आप बीटल वाइन लगाते हैं, वो कौन सी रूट्स होती हैं, क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है। ऐसे ही एक और होती हैं क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स क्या होती है, ये छोटे छोटे शॉर्ट रूट्स होते हैं, वो स्टेम से डेवलप होते हैं, और कहाँ पे चले जाता है, जहाँ कहीं घर पे ना क्रैक या कुछ होगा ना, मिट्टी में क्रैक होगा, वहाँ पे चला जाता है, और ये प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रीज को, और ये फिक्स करता है प्लांट को, किसके साथ, होस्ट के साथ। ये भी एब्जॉर्ब करता है फूड वगैरह किससे, होस्ट से। ये वेंडा में पाए जाते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लिंगिंग रूट्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर वाइटल फंक्शंस की बात करेंगे, तो हमारे जो ये एडवेंटिशियस टाइप रूट मॉडिफिकेशन है, इसमें भी कुछ रूट्स एपिफिटिक रूट्स जैसे प्रेजेंट होते हैं। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, एयर से। ये वो हैंगिंग एरियल रूट्स है। एपिफिट की प्लांट क्या होता है, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, इनमें इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है ग्रेस लेयर, ठीक है, जिसको हम वेलामिन बोलते हैं। ये वेलामिन क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से। ये हम किस में देखते हैं, ये हम वेंडा प्लांट में देखते हैं, ठीक है। ये एपिफिटिक, इसकी वाइटल फंक्शन आती है एपिफिटिक रूट्स में। ऐसे ही पैरासिटिक रूट्स होते हैं। पैरासिटिक रूट्स क्या होते हैं, जिनको हम सकिंग रूट्स या होस्टेरिया बोलते हैं। ये स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये स्टेम से डेवलप होते हैं, पैरासाइट के स्टेम से, और ये होस्ट के टिश्यूज़ में जाता है, और वहाँ से ये क्या एब्जॉर्ब करता है, फूड एब्जॉर्ब करता है। ये जैसे आप ब्रॉडर प्लांट में देखोगे, वहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होते हैं किस पे, होस्ट प्लांट के ऊपर, इन्हीं के रूट्स पैरासिटिक प्लांट के जाते हैं होस्ट के अंदर, वहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है अपना न्यूट्रिशन, ठीक है। एपिफिटिक रूट, पैरासिटिक रूट और फोटोसिंथेटिक रूट होते हैं, या उसको हम एसेमिनेटरी रूट बोलते हैं। ये रूट्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनमें क्लोरोफिल होता है और वो ग्रीन हो जाते हैं। जब वो ग्रीन होते हैं, फिर ये
फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये देखिए आप, जैसे टीनोस्पोरा में होता है, ये ग्रीन हो जाते हैं रूट्स और ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। फिर ये ग्रीन रूट्स देखिए आप, ये क्या करते हैं, यही रूट्स जो होते हैं ये फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको हम फोटोसिंथेटिक रूट्स बोलते हैं। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे, आप एडवांटेजेस रूट मॉडिफिकेशन में स्टोरेज के लिए काम आता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इम्पॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस काम करता है। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।